जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण नोटिस सामने आया है जो कि इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि जूनियर शिक्षक भर्ती में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं जिसके चलते अभ्यर्थी चाहे फॉर्म लेके लेने को हो चाहे विषय को लेकर हो, बहुत सारी समस्याएं जिसके चलते अभ्यर्थियों में कन्फ्यूज़न है, परेशान है। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आपके कन्फ्यूज़न को दूर किया जाए। तो साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि कुछ जो नोटिस आते हैं वो हम आपके साथ शेयर करें और आपको प्राप्त हो सके। कृष्ण मोहन पांडे एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद से 10 मार्च 2021 का एक लेटर है, जहां एप्लीकेशन है जो कि यहां पर ये भेजा गया है मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को, और विषय है जूनियर हाई स्कूल एडेड भर्ती नियमावली संशोधन 2019 में अर्हता के संबंध में ये नोटिस भेजा गया है। यहां पर कुछ निम्न बिंदुओं पर कहा गया है कुछ समस्याएँ हैं, जैसे कि पहली है उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा नियमावली 7वां संशोधन नियमावली 2019 भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू है। वीडियो को ना छोड़िएगा, बहुत चीज़ें यहाँ पर आपको सही जानकारी पता चलेंगी। फिर देखेंगे नियमावली में दिया गया है कि न्यूनतम जो अर्हता है कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा बीएड और उच्च प्राथमिक टेट पास होना अनिवार्य यहाँ पर होना चाहिए। ये जो आपका 2019 का संशोधन है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पर स्पष्ट की गई हैं, पहले वो देख लेते हैं। फिर कहा गया है कि बीएड करने के नियम समय काल एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, अतः ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जो स्नातक में 50% अंक ना होने के बावजूद भी परास्नातक स्तर में 50% के ऊपर अंक होने पर बीएड में दाखिला लिए। बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो स्नातक नहीं पीजी के बाद, मतलब स्नातक नहीं किया पीजी के बाद या पीजी के बाद दाखिला लेते हैं, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं बीएड में, तो ऐसे छात्र इस विज्ञापन में फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि जो यहाँ पर संशोधन है वो कहता है कि ग्रेजुएशन के बाद बीएड बीटीसी मान्य होगा, लेकिन ग्रेजुएशन में 50% अंक भी चाहिए, तो वही यहाँ पर कहा गया है कि पीजी को भी यहाँ पर शामिल कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर कहा गया है चौथे नंबर पर कि आरक्षण के नियमानुसार आरक्षित वर्ग में आने वाले अभ्यर्थियों को नियमानुसार 5% की छूट मिलनी चाहिए, जो कि इस भर्ती में उन्हें नहीं मिल रहा है, इस कारण से लोग भर्ती में फॉर्म से वंचित हैं। देखिए, मान लीजिए 50% अंक माने हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को इस 50% में कम से कम 5% की छूट देनी चाहिए। विभिन्न भर्तियों में मिलती है, इसमें भी मिलनी चाहिए, जिसके चलते 45% तक आरक्षित अभ्यर्थी आवेदन कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। चाहे आप ओबीसी हों, एससी हों, एसटी हों, सामान्य हों, सभी को 50% अंक चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। फिर कहा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षक बनने के लिए बीएड के अलावा स्नातक में 50% अंकों की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। ये खुद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि आपके स्नातक में 50% अंक हों, लेकिन उसके बाद भी माननीय न्यायालय ने एनसीटीई से कहा था कि एक माह के अंदर अंकों की इस अनिवार्यता को खत्म करने की अधिसूचना जारी करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया, अभी भी वो वैसा ही चल रहा है। माननीय जस्टिस आदर्श गोयल एवं माननीय जस्टिस यू ललित की पीठ ने 25 जुलाई 2020 को नीरज कुमार राय तथा अन्य की याचिका स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार को ये आदेश दिया था कि 50% की अनिवार्यता को खत्म किया जाए। अब यहाँ पर प्रार्थना की गई है कि महोदय, उक्त बिंदुओं के कारण प्रतियोगी छात्रों का एक बड़ा हिस्सा इस फॉर्म को नहीं भर पा रहा है, लाखों की संख्या में लोग नहीं भर पा रहे हैं, जिसके कारण प्रतियोगी छात्र अवसादीकरण की समस्या से जूझ रहे हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त बिंदुओं पर विचार कर शीघ्र अतिशीघ्र कोई निष्कर्ष निकालने की कृपा करें, ऐसा कहा गया है। अधिकतम लोग इस भर्ती में भाग लेने का जो कि अवसर प्राप्त कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर एडवोकेट कृष्ण मोहन पांडे के द्वारा ये चीज़ें भेजी गई हैं सचिव को, तो अगर इस पर विचार होता है तो 50% अंक वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे या आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को छूट मिल सकती है। बहुत सारे कारण हैं कि 50% नहीं होना चाहिए, खुद माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा किया जा रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको छूट मिले और एक नया संशोधित आदेश देखने को मिले। तो छोटी सी अपडेट थी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और ऐसी ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।